पापा जी भूरी गाय। गाय नहीं है वो बैल है। जेंडर भी समझ में नहीं आ रहा, बताओ। थक रही है। क्यों है हाउसफुल 5 के दो कॉन्स्टेंट्स? क्या कार्तिक करेंगे अक्षय को रिप्लेस? क्या कहा कार्तिक ने हाउसफुल 5 के बारे में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बात करें अगर बॉलीवुड की फ्रेंचाइजी फिल्मों की तो हाउसफुल इस लिस्ट में सबसे ऊपर के पायदान पर है। अब तक इसकी 4 सीक्वल्स आ चुकी हैं और लगभग सभी ने 100 करोड़ के क्लब में अपनी जगह बनाई है और अभी तक ये सिलसिला रुका नहीं है। जी हाँ, ऑडियंस इसके 5th सीक्वल के बारे में बेसब्री से इंतजार कर रही थी और मेकर्स ने भी ऑडियंस की डिमांड को कर दिया है पूरा। जल्द ही हाउसफुल की 5th इंस्टॉलमेंट यानी कि हाउसफुल 5 आने वाली है। जैसा कि हर सीक्वल में होता है, एक बार बड़े बड़े किरदारों को इस कास्ट में जोड़ा जाता है। इस बार भी यही एक्सपेक्टेड है कि इस फिल्म की कास्ट पिछली कास्ट से बड़ी होगी। कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में कॉमेडी और लाफ्टर के अलावा एक और चीज हमेशा से कांस्टेंट रही है और वो है अक्षय कुमार और रितेश देशमुख की जोड़ी। पर हाल ही में ऐसी खबरें आ रही थी कि इस बार फिल्म में अक्षय कुमार की जगह लेंगे कार्तिक आर्यन। जी हाँ, भूल भुलैया 2 फेम कार्तिक आर्यन को लेकर ऑडियंस काफी डाउट में भी थी और काफी नाराज भी थी। आखिर उन्होंने हमारे खिलाड़ी कुमार की जगह जो ले ली, पर कार्तिक आर्यन अपने इस चैलेंज पर काफी खरे उतरे। और इतना ही नहीं, अब लोग उन्हें बॉलीवुड के नेक्स्ट अक्षय कुमार के रूप में भी देखते हैं। इसीलिए ये माना जा रहा है कि हाउसफुल 5 में भी कार्तिक आर्यन हमें देखने को मिलेंगे। इस पर जब कार्तिक आर्यन से पूछा गया तो कार्तिक ने इस पर रिएक्ट करते हुए बोला कि आखिर कोई मुझसे मेरी पिछली और नेक्स्ट फिल्मों के बारे में भी तो बात करे, जिससे ये साफ जाहिर है कि कार्तिक शायद खुद को अक्षय कुमार के रिप्लेसमेंट के रूप में देखे जाने से नाराज हैं, थोड़े परेशान हैं इन सवालों से। पर जैसा कि हम जानते हैं कि साजिद नडियाडवाला और अक्षय कुमार की दोस्ती और बॉन्डिंग काफी मजबूत है, वो इस फिल्म में अक्षय कुमार को रिप्लेस करने की तो सोच भी नहीं सकते। इसीलिए ये कम ही चांसेस हैं कि अक्षय कुमार को रिप्लेस किया जाए। पर कार्तिक आर्यन को इस फिल्म से जोड़ा जाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और वो इस फिल्म से जुड़ भी सकते हैं एडिशनल कास्ट के तौर पर। फिलहाल साजिद नडियाडवाला ने भी इसे लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। अब कौन रहेगा फिल्म में, कौन रिप्लेस होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हमें और आपको तो बस इंतजार है इस फिल्म का। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है जया भारद्वाज ने।